हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको 38 चेस्ट के अकॉर्डिंग बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। इसे इस तरीके से डबल फोल्ड में रखेंगे और लेंथ का निशान लगाएंगे। तो तैयार लेंथ हमें 13 इंच चाहिए, तो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हम 14 इंच यहाँ पर लेंगे। शोल्डर लेंगे यहाँ पे 5.5 इंच, आर्म होल लेंगे 5.5 इंच, चेस्ट हमारा 38 इंच, तो इसका फोर्थ पार्ट होगा 9.5 इंच। तो यहाँ से 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। आर्म होल पर 1.5 इंच की गोलाई देंगे इस तरीके से। अब कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर है हमारी 32 इंच, इसका फोर्थ पार्ट होगा 8 इंच, तो यहाँ से 8 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच टक्स के लिए लेंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। मार्जिन पॉइंट को इस तरीके से मिला देंगे। अब नेक विड्थ लेंगे यहाँ से 2.5 इंच, नेक की लेंथ लेंगे 9.5 इंच और इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। तो बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है, अब इसे कट कर लेंगे। तो हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट का पार्ट हम कपड़े के इस तरफ से निकालेंगे। ये हमारी खुली हुई साइड है। सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 5.5 इंच, आर्म होल लेंगे 5.5 इंच, चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे 9.5 इंच और 3 इंच का मार्जिन लेंगे। 2 इंच हमारा मार्जिन होगा। 1 इंच हम टक्स और हुक और काज की पट्टी को अटैच करने के लिए लेंगे। तो अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। बैक पार्ट के लिए हमने 14 इंच की लेंथ ली है। फ्रंट के पार्ट के लिए हम 15 इंच की लेंथ लेंगे। तैयार हमारा 13 इंच होगा, तो यहाँ से हम 15 इंच की लेंथ लेंगे। तो लेंथ का निशान लगाने के बाद हम आर्म होल पर 1 इंच की गोलाई देंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट का पार्ट है। इसके बाद हम नेक विड्थ लेंगे यहाँ से 2.5 इंच, नेक की लेंथ लेंगे 6.5 इंच और बॉक्स बनाकर राउंड शेप देंगे। और इस तरफ से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। दूसरी तरफ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे बेल्ट का शेप देते हुए मिला देंगे। 8 इंच हमारी कमर है और 3 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ तक हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है, आप चाहें तो ऐसे भी कट कर सकते हैं। इसे बेल्ट का शेप देंगे इस तरीके से। फ्रंट की मार्किंग भी हो चुकी है, इसे कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमने इतना कपड़ा लिया है, इसे पहले इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके बाद इसे 4 फोल्ड में करेंगे। इस कपड़े को 4 फोल्ड में रखने के बाद हम लेंथ का निशान लगाएंगे।
तो यहाँ से इसकी लेंथ हमें 9.5 इंच चाहिए, चेस्ट का फोर्थ पार्ट, और यहाँ से इसकी लेंथ हमें 5 इंच चाहिए। जितनी हमें स्लीव्स तैयार रखनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो अब हम यहाँ से 2.5 इंच की गोलाई देंगे। राउंड शेप देने के बाद अब हम स्लीव्स बॉटम का निशान लगाएंगे। स्लीव्स बॉटम हमारा 6.5 इंच और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। इसे इस तरीके से मिलाकर स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमारे सारे पार्ट्स कट चुके हैं। अब इसे मेन फैब्रिक पर कट करेंगे और स्टिच कर लेंगे। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।